हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो में फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज हम जा रहे हैं डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कॉलेज में अपनी बहन के साथ। तो चलिए आप सबको भी मिलवाते हैं, मतलब दिखाते हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज शिवहर का जीवी है, जीपी शिवहर। तो चलिए आपको भी हम दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये दिख रहा है कॉलेज। तो हम जा रहे हैं, बस 10 मिनट का रास्ता है हमारे घर से, क्योंकि हमारे घर के ठीक पीछे ही है। तो ये देखिए, तो हम कॉलेज के पास पहुंच गए हैं, ये देखिए। तो हम अब अंदर इन करेंगे। राजकीय पॉलिटेक्निक, तो गाइज ये जो आपको दिख रहा है ये परीक्षा भवन है, और वो सामने जो दिख रहा है वो उसमें क्लास चलती है। इस वाले में क्लास चलती है। और आपको बता दूँ तो उधर जो वो दिख रही है वो वाली बिल्डिंग, उसमें वो हॉस्टल है गर्ल्स का, वो वाली, सॉरी। तो ये देखिए अंदर का सीन है, ये रही पूरा फील्ड है ये। तो आपको घुमा देते हैं पूरा, मतलब पूरा अंदर का बता देते हैं क्लास किधर क्या है। क्या ये देख, मेरी बहन है। तो हम जा रहे हैं ऊपर प्रथम तल। केबिन, ये सर जी का केबिन है, और ये तो क्लास है। तो आज हमारी बहन आपको सब कुछ बताएगी, क्योंकि ये इसी कॉलेज में रहती है। मैं तो घूमने आई हूँ, ये तो बंद है। ये शायद लैब है। जो कि आज बंद है। आज वैसे भी सब चीज बंद ही रहेगा। वही तो। तो अब चलते हैं सेकेंड फ्लोर पर। अच्छा, केवाईपी रूम है ये। ये लैब है। मतलब कि यहाँ पे सब चीज की सुविधा है। ये देखिए, ये रही वॉशरूम, वो भी ठीक हो जाएगा, खराब है तो। ये क्लास है। इधर क्या है? अच्छा, तो ये देखिए, ये सीओई लैब है, जिसमें आईओटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत सारा सब्जेक्ट जो पढ़ना रहता है सीओई में, वो है ये। अच्छा, अभी काम चल रहा है इसका। ये है ड्राइंग हॉल। लैब, ये है इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट लैब। तो हम आ गए सबसे ऊपर वाले छत पे, और आपको ऊपर से पूरा सीन दिखाते हैं। हाय,
यही सब ऐसा ही आते रूम उम सब है। तो ये देखिए हम पूरा ऊपर से छत पे से नीचे का सीन कर रहे हैं। ये देखिए तो अब चलते हैं नीचे, ऊपर बहुत धूप है, गर्मी लग रही है। तो हम जा रहे हैं अब नीचे क्योंकि झंडा फहराएगा तो हम लोग तो शामिल होंगे ना। तो यहाँ पे फोटो शूट हो रही है, झंडा तो फहरा गया। ये देखिए टीचर लोग सब फोटो शूट करवा रहे हैं। प्रसाद भी खा लिया, अब चलते हैं घर पे। ये देखिए सब जा रहे हैं घर पे, जाएंगे सब। तो आप सब से घर पे ही मिलते हैं।